गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 23 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को टाइम पर कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो क्विज़ है, हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो एक दिन या दो दिन गैप करना पड़ जाए, जैसा कि दो तीन दिन पहले हुआ था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर उस दिन का क्विज़ छूटता है तो वो छूट जाएगा, मतलब कि मिस हो जाएगा। जब भी क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा तो पिछले सारे क्वेश्चंस को उसमें कवर कर लिया जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली बार किस ज़िले में सेब की खेती की जा रही है? सेब की खेती के लिए जो वातावरण चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, और झारखंड में है ऐसा, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, गिरिडीह, ये सही आंसर है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दो तीन सालों में सेब का जो फल है वो तैयार हो जाएगा। एक्चुअली यही टाइमिंग होता है इसका। तो अगर ये तैयार हो जाता है तो बाकी जो मार्केट है उसमें इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और फिर ये पॉसिबल हो पाएगा कि झारखंड में भी सेब की खेती हो पाए। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल के बाद अब झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड की तिरला पंचायत में सेब की खेती की जा रही है। इसमें 2-2.5 साल लगेंगे। बगोदर प्रखंड की तिरला पंचायत के डोरियों में 50 डिसमिल जमीन पर सेब की खेती की गई है। सेब के पौधे स्थानीय निवासी रामेश्वर नाथ मेहता ने लगाए हैं। वे रांची कृषि विभाग में एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। 3 साल में सेब के पौधों में फल आना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर में एक पेड़ में लगभग 50 किलो फल फलने की उम्मीद रहती है। सेब जब फलने लगता है तब उसे बगोदर फलने लगेगा तब उसे बगोदर और आसपास के बाज़ारों में उपलब्ध कराया जा सकेगा। सेब की खेती के लिए झारखंड का जलवायु उपयुक्त नहीं है। ऐसे में यदि वे सेब की खेती करने में सफल रहते हैं तो यह झारखंड के लिए एक उपलब्धि होगी। सेब की खेती के लिए ठंडे जलवायु का होना ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पर गिरिडीह की बात हुई है तो थोड़ा सा गिरिडीह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप, गिरिडीह ये जो है, अगर स्टेट की बात की जाए तो एक स्टेट को टच करता है। कौन सा स्टेट है? बिहार। एक स्टेट को टच करता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। एक स्टेट बिहार को और 6 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसका गठन देखा जाए तो 1972 में इसका गठन हुआ था ग्रेडी डिस्ट्रिक्ट का। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व जिसे बोलते हैं, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये 493 है, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 493% रहते हैं। इसका जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, ये कितना है? 944। लिटरेसी रेट थोड़ा सा यहाँ पर कम है, ये 63.14%। ऐसा इसलिए क्योंकि 75% जो एरिया गिरिडीह का है, लगभग 75% वो ग्रामीण क्षेत्र है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो गिरिडीह का है। अनुमंडल यहाँ पर 4 हैं, 4 अनुमंडल हैं जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? गिरिडीह, एक गिरिडीह हो गया, बगोदर, बगोदर सरिया भी बोला जाता है, बगोदर या बगोदर सरिया, उसके बाद डुमरी है और खोरी महुआ है। तो ये 4 सब डिवीज़न है। वहीं अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो जिसको प्रखंड बोलते हैं, तो ये 13 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र MLA का जो सीट होता है वो 6 हैं, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गंडे। ओके, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो बराकर सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, उसके बाद दामोदर भी है और सकरी भी है। ओके, पर्यटक स्थल सबसे इम्पॉर्टेंट पारसनाथ, सबसे फेमस पर्यटन स्थल है यहाँ का पारसनाथ। उसके बाद यहाँ पर खंडोली डैम है, फिर उसरी फॉल है, वाटरफॉल है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गिरिडीह के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडम डैम परियोजना किस जिले में स्थित है? मंडल डैम परियोजना किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा। तो ऑप्शन सी जो है, लातेहार, इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
मंडल डैम की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना लातेहार जिले के मंडल गांव में स्थित है। मंडल डैम से पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, तो इसका उत्पादन होना था। मंडल डैम उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसके लिए 90% कार्य लगभग पूर्ण हो गए थे। अचानक केंद्र सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में इस परियोजना पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण यह परियोजना 27 वर्षों से अधर में, मतलब कि एक तरह से पेंडिंग में, इसका प्रोसेस बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2019 शिलान्यास करने के बाद भी मंडल डैम का कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। आज से करीब 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीनगर से ऑनलाइन मंडल डैम का पुनः शिलान्यास किया था। इस परियोजना के चालू हो जाने से बिजली उत्पादन भी होता है, होता अगर ये चालू हो जाता तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस भी होता और झारखंड की बिजली क्षमता भी बढ़ती। वहीं झारखंड, गढ़वा और पलामू को अगर इंक्लूड किया जाए और बिहार की कुल 1,20,000 हेक्टेयर भूमि भी पटवन भी हो पाती। इसमें 1,00,000 हेक्टेयर भूमि की पटवन सिर्फ बिहार की भूमि की होगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग अब जानते हैं। एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया। चलिए, लातेहार की बात हुई है तो लातेहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। लातेहार यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, अगर हम लोग ये, एक मिनट मुझे थिकनेस इसका वो डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा। चलिए ठीक है। लातेहार अगर स्टेट की बात की जाए तो एक स्टेट को ये टच करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया, चलिए चलेगा इतना। तो एक स्टेट को ये टच करता है, छत्तीसगढ़। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, रुकिए एक मिनट, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। स्टेट छत्तीसगढ़ है। अगर ज़िले की बात की जाए तो गढ़वा, एक गढ़वा हो गया, उसके बाद पलामू, चतरा, ठीक है, रांची, लोहरदगा, गुमला, 3 और 3, 6 डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के साथ इसका बाउंड्री शेयर किया जाता है, बाउंड्रीज की शेयर होती है। ओके, वहीं अगर हम लोग गठन की बात करें इसकी, तो 2001 में इसका गठन हुआ था। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो 169 काफ़ी कम है, 169 हो गया इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। और 967 जो है इसका लिंगानुपात है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो जिसको प्रखंड बोलते हैं तो ब्लॉक्स 9 है, और सब डिवीज़न जिसको अनुमंडल बोलते हैं तो सब डिवीज़न टोटल 2 ही हैं, लातेहार और महुआटाड़। विधानसभा क्षेत्र एमएलए के लिए जो सीट होते हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, लातेहार और मनिका। इम्पॉर्टेंट रिवर्स उत्तरी कोयल, अभी जैसे कि बात की गई है मंडल, तो यहाँ से आपको याद भी रहेगा उत्तरी कोयल, फिर औरंगा नदी है, दामोदर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, लातेहार जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी जिस चीज़ को बोला जाता है नेतरहाट, वो लातेहार में ही है। ओके, एक्चुअली गढ़वा और लातेहार के ये जस्ट बीच में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने किस ऐप का सहारा लिया है? रिसेंटली बहुत सारे नंबर लॉन्च किए गए हैं, एक यूनिवर्सल नंबर है, तो ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का नंबर है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ओके, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य सरकार ने व्हाट्सएप का सहारा लिया है। इसके तहत राज्य भर के जेलों के सभी एसएसपी के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। संकट में घिरी महिलाएं और लड़कियां इस नंबर पर मैसेज भेज सकती हैं, मैसेज मिलने के बाद उन्हें तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी। रांची पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विमेन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राजधानी की पुलिस ने छेड़छाड़, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर पर रांची की महिलाएं व्हाट्सएप या कॉल कर अपनी समस्याएं बता सकती हैं। साथ ही जानकारी दी गई है कि महिला हेल्पलाइन नंबर की इंचार्ज महिला इंस्पेक्टर होंगी। ओके, और ये जो नंबर है ये 9709
फिर 5555, ये यूनिवर्सल नंबर है। उसके बाद कैटेगरी वाइज और भी नंबर हैं लेकिन ये यूनिवर्सल नंबर है। ओके, झारखंड के डीजीपी पुलिस की बात हुई है तो एमबी राव झारखंड के डीजीपी हैं। सड़क से बस गुजर रही थी, उसी का आवाज़ था। मैंने आपको पहले कहा था डिस्टरबेंस काफ़ी सारी होगी, लाउड स्पीकर का आवाज़ कभी कभी सुनाई पड़ेगा आपको, तो ये सब के लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है। 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक झारखंड ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में कुल कितने मानव दिवस का सृजन किया जा सका है, ह्यूमन डेज जिसको बोलते हैं, मानव दिवस। तो ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं 1.3 करोड़, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक झारखंड ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में कुल 1.38 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा सका है, जो पूर्व की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा है। इस अभियान में मुख्यतः इच्छुक ग्रामीण मजदूरों को ससमय रोजगार उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति निर्माण का लक्ष्य था। इस अभियान के दौरान गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों ने पूर्व की अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया गया है तथा सिमडेगा, लातेहार, सरायकेला, जामताड़ा आदि जिलों के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभियान की प्रगति को देखते हुए तथा ग्रामीण मजदूरों को ससमय रोजगार उपलब्ध कराने एवं गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से अभियान में कुल 105 दिनों के लिए विस्तार करने का डिसीजन लिया गया, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ मानव दिवस मतलब कि ह्यूमन डेज सृजन तथा लगभग 4.25 लाख योजनाओं को पूर्ण करने का अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया है, अतिरिक्त लक्ष्य है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी इस तरह का टॉपिक उठेगा तो आपको सचिव का नाम याद कराया जाएगा, ग्रामीण विकास सचिव। पहले भी इनके बारे में बताया जा चुका है, आराधना पटनायक ग्रामीण विकास सचिव हैं। ओके, झारखंड की। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। पांचवा क्वेश्चन है, एनआईटी राउरकेला मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के किस छात्र ने कम से कम समय में दुनिया भर के जो भूखे लोग हैं उन तक रोटी पहुंचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग समझते होंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे रोबोट है, ठीक है, तो रोबोट एक तरह से क्या है, मशीन है, उसमें किसी भी तरह का फीलिंग्स नहीं होगा, मतलब कि ह्यूमन जो सोच सकते हैं वो नहीं सोच पाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन और ह्यूमन के बीच का एक तरह से एप्लीकेशन है, जिसमें इमोशंस भी हो सकते हैं, मतलब कि ह्यूमन जिस तरह से काम करता है उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया एप्लीकेशन या मशीन सोच सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल, आपने फेस ऐप यूज़ किया होगा गूगल प्ले स्टोर से, आपने देखा होगा कि उसका जो काम है कितना बारीकी वाला काम होता है। तो यही सब समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह का चीज़ है। ओके, चलिए ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, प्रणव खेतान, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, प्रोफेसर पंकज राय, प्रोफेसर डीके पांडे। तो ऑप्शन ए जो है प्रणव खेतान इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रणव खेतान। ओके, चलिए राउरकेला एनआईटी मतलब एनआईटी राउरकेला वैसे बोला जाता है, पहले नाम जगह का दिया गया है। इनके जो एलुमनाई हैं तथा अमेरिका में गूगल के सीनियर इंजीनियरिंग लीड प्रणव खेतान ने कम से कम समय में दुनिया भर के भूखों तक रोटी पहुंचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार कर भूखों की भूख मिटाने की नायाब तकनीक बनाई है। इस तकनीक की वजह से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने में मदद मिली है। ओके, इस तकनीक की वजह से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने में मदद मिली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रणव नोबेल पुरस्कार विजेता इस संस्था के सलाहकार परिषद के सदस्य होने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लीडर भी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP पिछले कई दशकों से दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भूखमरी के शिकार लोगों की मदद करती रही हैं। अब तक लाखों लोगों की मदद यह संस्था कर चुकी है। खासकर युद्ध काल में इस संस्था ने प्रथम मानवीय संस्था के तौर पर पीड़ित लोगों तक पहुंचने का काम किया व उनकी मदद की। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था
तो उसके जस्ट पहले वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, मैंने आपको रीज़न बताया था, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड किया था, तो उसके थ्रू आप लोगों ने उसका आंसर दिया था, और पीडीएफ जो है वो दे दिया जाएगा। पीडीएफ किसी भी दिन का मिस नहीं होगा। ओके, ऐसा मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद हुआ होगा जब करंट अफेयर का वीडियो जो है, झारखंड करंट अफेयर का वीडियो मिस हो गया था। रीज़न थे, ऐसा कोशिश की जाएगी कि इस तरह का नहीं हो, फिर से रिपीटेशन नहीं हो ऐसा। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है, झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कब से किया गया है? 15 अक्टूबर, 15 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 10 दिसंबर? तो खैर ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 15 सितंबर। ओके, और आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साक्षरता सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? NSO, ओके, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस। तो झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 10, 15, 20, 16, आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जो समय है 10वीं तक का, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, मतलब कि कंटेंट आप लोगों को दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और क्विज़ अगर छूटता है तो जस्ट अगले दिन जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको उसी क्विज़ में कवर कर दिया जाएगा, उस दिन के कवर में। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।